आज रोडवेज तालमेल कमेटी हरियाणा की राज्य के परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में लगभग ढाई घंटे चली मीटिंग के अंदर जो मुख्यतः 700 प्राइवेट बसें हायर करने का फैसला है वो हमारे अध्यक्ष मंडल ने काफ़ी तर्कों सहित काफ़ी जो ग्राउंड पर पेपर है उदाहरण सहित जनहित को मद्देनज़र रखते हुए प्रदेश की जनता को विभाग के कर्मचारी की जो मांग है वो काफ़ी डिटेल से चर्चा हुई। हम वार्ता के पक्षधर रहे हैं, भविष्य में भी सरकार की तरफ से तालमेल कमेटी को जो बुलाया जाएगा तो हम वार्ता की मेज पर आने के लिए तैयार हैं। आज की क्या लोकतांत्रिक तरीके से किया गया शांतिपूर्वक आंदोलन, हड़ताल हमारी कायम है, हड़ताल जारी रहेगी, ये तालमेल कमेटी के अध्यक्ष मंडल का फैसला है। आज भी रोडवेज तालमेल कमेटी इस निर्णय पर पूर्ण रूप से अड़िग है। आज क्या ऑफर दिया गया था आपको, आज क्या बातचीत हुई जी ये बताओ। हमारी जो 700 प्राइवेट गाड़ियां हायर करने का फैसला है सरकार और हमारे मध्य गतिरोध जारी है। सरकार ने आज क्या न्याय दिया जो देखिए हमारी जो मांग है इस 700 प्राइवेट गाड़ियों को रद्द किया जाए, सरकार उस मांग पर आने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अपने कैबिनेट के फैसले से पुनर्विचार करने के लिए, विड्रा करने के लिए, रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। हम भी सरकार एक हठधर्मिता का परिचय दे रही है, हम भी पूर्ण रूप से इस फैसले को रद्द कराने के लिए जो आंदोलन के लड़ाई के मैदान में है पूर्ण रूप से हम डटे रहेंगे जब तक सरकार 700 जो गाड़ियों का हायर करने का फैसला है ये सरकार बंद नहीं करती है। हमारा आंदोलन जारी।